सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू अन अनडमी कैसे हैं बेटा आप लोग थोड़ा सा लेट हो गया पता नहीं मेरा इंटरनेट कनेक्शन आज काफी ज्यादा फ्लेक्चुएशन हो रहा है बाहर, बा, थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है तो माइट इम पॉसिबल बारिश की वजह से थोड़ा सा फ्लेक्चुएशन हो रहा हो मॉर्निंग में भी थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था और अभी भी काफ़ी ज्यादा दिक्कत आ रहा है तो हो सकता है कि थोड़ा सा आज सेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया हो होज सॉरी फॉर डैट सॉरी फॉर डैट बच्चों तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें आपको काफ़ी अच्छे तरीके से सुनाई दे रहा होगा समझ में आ रहा होगा दिखाई दे रहा होगा तो एक बात मुझे बता दीजिए बेटा इज इट ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरी वन इज इट ऑडिबल एंड विजिबल टू एंडल कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताते हैं फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे आज का अपना ये शानदार दनदार और मजेदार लेक्चर होने वाला है परफेक्ट स्टडी पार्टनर आपका कौन है बताइए परफेक्ट स्टडी पार्टनर फॉर नीट यू जी स्टूडेंट्स के लिए कौन सा है तो आखिर क्यों इसे बोला गया परफेक्ट स्टडी पार्टनर इसलिए नहीं बोला गया बेटा, तो लिए नाजुक लग रही थी बेटा। और पता नहीं है आज मॉर्निंग काफ़ी ज़्यादा दिक्कत कर रहा था ठीक है तो ये क्यू एन अकेडमी आपका बेस्ट फ्रेंड है क्योंकि ये बेटा आपका क्या है प्रत्येक वीक में नए नए बैचेज लॉन्च कर रहा है प्रत्येक वीक में नए नए लॉन्च कर रहे जैसे कि देखिए

और ये बैच ट्वेंटी स्टार्ट मतलब कि आज कितना है भाई आज ही तो है ट्वेंटी सेवेंथ ऑफ सेप्टेम्बर तो आज ही से बैच स्टार्ट हो रहा है तो अभी तक यदि आपने बेटा एडमिशन uh, नहीं लिया है तो फिर देर किस बात की जल्दी से आर के सोनी सर का रेफरल कोड लगाओ आर के सोनी सर का रेफरल कोड लगाओ जल्दी से जल्दी इस बैच में इन इनलमेंट ले लो ठीक है मास्टर बैच स्टार्ट हो चुके हैं बच्चे ये मेरा ही बैच है इसमें uh, मैं भी पढ़ा रहा हूँ मैं पढ़ा रहा हूँ साथ ही uh, साथ uh, तो बात सर भी पढ़ा रहे हैं तो आर के सोनी सर का रेफरल कोड आपको लगाना होगा आर के सोनी सर का रेफरल कोड लगा करके और काफी अच्छे तरीके से आप अच्छा आपने आ, लिंक शेयर में ग्रुप में शेयर कर दोगे थैंक यू थेंक यू थैंक थैंक बेटा यू नारायण तो आ, ये बेटा आर के सोनी सर का रेफरल कोड लगाइए और मजेदार तरीके से अपने स्टडी को नई दिशा दीजिए इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म होने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के तीन लेक्चर और बचे हुए हैं आज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग uh, पढ़े हैं और साथ ही साथ यून इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ द फोर्सेस के बारे में आज और उसके सारे क्वेश्चन के बारे में आज हम इस बैच में स्टडी किए हैं तो बेटा ये बैच बड़ा ही अच्छा बैच है तो यदि अभी तक आप इनमेंट नहीं यार जल्दी से जल्दी, जल्दी इनरोलमेंट ले लीजिए और फिर अपने इस बैच के साथ अपनी एक नई दिशा में एक स्टडी को आगे बढ़ाइए ठीक है तो होपफुली मेरी बातें अच्छे तरीके से सुनाई दे रहा होगा समझ में आ रहा होगा आई थिंक अपना फिफ्थ आज अपना सिक्स लेक्चर होगा होपफुली आज अपना लेक्चर होगा बेटा और काजल बेटिया गुड इवनिंग नारायण गुड इवनिंग आशीष गुड इवनिंग रंजीत एक बार बता दीजिए बेटा ऑडियो क्लियर है क्या एक बार बता दीजिए बेटा ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या पता नहीं प्रीलोडर मेरे मोबाइल में कुछ काम कर रहा था ऐसा कुछ अभी तो ऑडियो वीडियो क्लियर लग रहा है अभी तो ऑडियो वीडियो क्लियर लग रहा है चलिए बेटा तो कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए क्या आपने वो क्वेश्चन किया है कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया ये क्वेश्चन मैंने आपको कल होमवर्क के लिए दिया था जरा एक बार बता दो बेटा कि ये क्वेश्चन आपसे हुए हैं या नहीं ये क्वेश्चन कल मैंने आपको होमवर्क में दिया था ये सवाल आपसे हुआ बेटा सवाल में क्या बोला गया इन वैल्यू विच इमर्ज इन फ्रॉम टू स्लिट्स और स्लिट के बीच का जो गैप है वो दे दिया गया दो स्लिट्स के बीच का जो गैप है थ्री इंटू टेन एस टू पावर माइनस सेवन मीटर ठीक है और एक ट्रांसपेरेंट सीट तो एक ट्रांसपेरेंट सीट ले रहे हैं और इस ट्रांसपेरेंट सीट का थिकनेस टी है इसका थिकनेस टी की वैल्यू यदि देखा जाए तो 1.5 पॉइंट फाइव इंटू टेन एस मीटर यह है रेफ्रैक्टिव इंडेक्स वन सेवन रखा गया वन ऑफ द स्लीट सवाल में आपसे ये पूछा गया वेयर डज द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ द इंटरफेंस नाउ एपियर कहाँ पे नेहा बेटा नारायण काजल रंजीत आशीष एंड रेस्ट ऑफ ऑल माई डियर स्टूडेंट्स एक बार बताइए बेटा कहाँ पे अब नया वाला सेंट्रल मैक्सिम एपियर होगा आप ये आपसे ये क्वेश्चन कल मैं आपको होमवर्क में दिया था तो ये क्वेश्चन आपने यदि किया हो तो वेल एंड गुड नहीं किए हैं तो बता दीजिए कि ये बेटा आपसे सवाल नहीं हुआ तो आफ्टर डेट सॉल्व दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन को अभी आप सॉल्व करके कर बताइए कि इसका सही आंसर कितना इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाइए बेटा इसका सही आंसर क्या था आफ्टर डेट मूव जल्दी कीजिए बेटा सवाल मैं आपको दिखाऊं तो सवाल यही है सवाल यही है मैं क्लियर करूंगा ये एस वन है ये एस टू है एक स्लिट इसके सामने लगा दिया गया जिसका थिकनेस टी है तो फ्रैक्टर इंडेक्स म्यू है सेंट्रल मैक्सिमा पहले यहाँ होना चाहिए अब सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर होगा जिधर हम लगाएंगे ऊपर होगा ये कितना डिस्टेंस से ये शिफ्ट कर गया ये आपको निकालना है ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया था बेटा होमवर्क में सर मैं कल क्लास नहीं क्यों नहीं की थी बेटा नेहा हाँ बेटिया कल आपने क्लास क्यों नहीं किया था बेटा जी सकते हैं क्लास मत मिस कीजिए क्लास मिस मत कीजिए मेरी बात को बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है एक पॉइंट चलिए देखते हैं बेटा सिंपल सा सवाल है सिंपल सा सवाल है बेटा कि यदि अब हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अब आपको चीजें थोड़ी समझ में यदि आप क्वेश्चन को देखिए तो इस बार वेवलेंथ और लेंद, मतलब और डी लैमडा की वैल्यू को लिखिए तो ये कितना होगा फाइव इंटू टेन एस टू पावर माइनस टेन तो इसको यदि आप लिखिए बेटा तो इसको फाइव थाउजेंड इंटू टेन एस टू फाइव इंटू टेन एस पावर थ्री भी लिख दी तो लैमडा के वैल्यू हो गया फाइव इंटू टेन एस टू पावर माइनस जरा ध्यान से देखो बेटा तो आपको ये चीज़ दिखाई देगा यहाँ पे यार आप क्वेश्चन इसका मतलब सच में सॉल्व नहीं तो मतलब आपने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है बेटा यदि आप सॉल्व करते तो शायद आप इस कंडीशन को आइडेंटिफाई कर पाते कि यहाँ लैमडा जो है और डी जो है ये दोनों कंपेरेबल है लैमडा जो है बेटा तो क्या है बेटा कंपेरेबल आपको दिख रहा है अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्या कर बोल रहे थे कि d इज ग्रेटर देन लैम्डा हुआ कर तो साइन थीटा को हम क्या लिख देते थे बेटा tan थीटा लिख साइन थीटा को tan थीटा नेटवर्क किस होता हो कोई बात नहीं बेटा बात बताओ यहां पे ये चीज वैलिड होगा क्या चलिए तो हम देखते हैं डेल्टा एक्स क्या होगा एस टू पी माइनस एस वन पी प्लस टी ब्रैकेट म्यू डेल्टा एक्स की वैल्यू ये डेल्टा एक्स की वैल्यू होगी तो यहां से देखें तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा आपका एस टू माइनस एस वन और माइनस तो हम एक चीज जानते हैं बेटा यहाँ फॉर मैक्सिमा के लिए बात करें फॉर मैक्स। डेल्टा एक्स के वैल्यू जीरो तो जीरो इज इक्वल्स टू एस टू पी माइनस एस वन पी माइनस टाइम्स म्यू जीरो वैल्यू कितना होगा डी साइन कितना होगा माइनस टी अंडर ब्रैकेट म्यू माइनस वन तो जरा देखते हैं साइन थीटा के वैल्यू कितनी टी अंडर बैकेट म्यू माइनस वन अपॉन क्या टी है म्यू है डी है जी है सब कुछ दें यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है टी भी है डी भी है म्यू भी, भी, भी है और लैम्डा इन सारे वैल्यूज को हम पुट करें इन सारे वैल्यूज का जब आप पुट करते हो बेटा तो आप यहां देखिए मैं आपको यहां दिखा दूं आप देखेंगे बेटा कि साइन थीटा की वैल्यू 0.085 है यानी कि एंगुलर पोजीशन उसका एंगुलर पोजीशन हो गया यदि साइन इनवर्स साइन थीटा के भए 0.085 यदि आ गया है तो थीटा के वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चे साइन इनवर्स जीरो पॉइंट जीरो एट फाइव फॉर्चुनेटली इसकी वैल्यू आपको याद नहीं रखना बट मैं बता देता हूँ क्वेश्चन में गिवन रहेगा क्वेश्चन में गिवन रहेगा तो बस आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है फाइव हंड्रेड इसकी वैल्यू जो होगा बच्चे वो होता फोर पॉइंट एट एट तो हमें ये चीज़ पता चल गया बेटा कि इस केस में भी यहाँ जो वैल्यू आया बहुत छोटा एंगल आया लेकिन ये चीज हम कैसे निकालें बाय मैथमेटिक्स हमें मैथमेटिक्स से तो मैथमेटिक्स से हमें ये चीज पता चला बेटा तो हमने यहाँ पे देखा कि थीटा वैल्यू जो बहुत छोटा तो हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं बेटा टैन थीटा साइन थीटा को टैन थीटा हम लिख देंगे तो हमारा डी टैन थीटा वाई अपॉन डी हो जाएगा तो वाई अपॉन डी इज म्यू माइनस वन इंटू म्यू माइनस वन तो म्यू माइनस वन इंटू टी अपॉन डी की वैल्यू कितना आया था ये था जीरो पॉइंट एट जीरो पॉइंट जीरो एट फाइव तो इसकी वैल्यू को जीरो फाइव रख और उसको हम क्या करेंगे डी से मल्टीप्लाई ये अपना वाई जो है ये वाई तो वाई की वैल्यू जो होगा बच्चे यहाँ से हम निकाल कैपिटल डिवाइडेड बाय ए यहाँ पे कैपिटल डी की वैल्यू भी आपके क्वेश्चन में गिवन है कैपिटल डी की वैल्यू क्वेश्चन मैं आपको दे देता क्वेश्चन में गिवन नहीं था मैं दे देता कैपिटल डी इज मान लीजिए तो हम क्या करेंगे बेटा कैपिटल डी की वैल्यू हम पास गीवन है वन मैंने आपको भी चुके दिया है म्यू की वैल्यू पता है कैपिटल डी की वैल्यू पता है टी की वैल्यू भी पता है सारे वैल्यूज आपको पता है बस हम मैथमेटिक्स पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे तो वहां से अपना होपफुली आपको ये चीज समझ में आए होपफुली ये चीज आपको समझ में आए क्लियर है बेटा जल्दी बता दीजिए एक बार इज इट क्लियर टू एवरी वन इज इट क्लियर टू एवरी वन और नॉट बता दीजिए बेटा ये क्लियर है क्या गुड बाय करियर अब हम कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें यहाँ देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक हम वाई कर रहे हैं यदि हम यहाँ पे दोनों ऊपर और नीचे चूंकि हम कल ऐसा क्वेश्चन एक कर चुके हैं लेकिन फिर भी मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट सिखा टी वन थिकनेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन दे दिया गया थिकनेस इंडेक्स म्यू दे दिया गया और इस समय आपसे पूछा जाए बेटा कि इस मैक्सिमा मतलब जो सेंट्रल मैक्सिमा होगा वो किधर शिफ्ट करेगा ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा या नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा तो हम कैसे ये डिसाइड करें <kles> ये डिसाइड करने का तरीका क्या होता है क्योंकि हम देखें तो ये एस वन है और ये एस टू है आप जाएंगे? से आप होता एक एडिशनल पार्ट डिफरेंस क्रिएट कर दिया होगा इसने डेल्टा एक्स वन किसने मतलब ऊपर वाले का जो एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस डेल्टा माइनस डेल्टा एक्स टू की बात करूं तो ये हो जाएगा टी अंडर ब्रैकेट म्यू सॉरी तो ये आपका हो जाएगा अब हम सीधे सीधे बात यह बेटा

सेंट्रल मैक्सिमा किधर शिफ्ट करेगा विल शिफ्ट इन अपड डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा केस नंबर टू देखते हैं केस वन थे केस टू की बात करें यदि केस टू की हम बात करें बेटा बेटा डेल्टा की बात करें बेटा। यदि मान लीजिए केस ऐसा ले लें जिसमें डेल्टा एक्स वन डेल्टा एक्स वन लेस देन डेल्टा एक्स टू यदि हो तो किधर की तरफ शिफ्ट होगा जल्दी बताओ सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्ट ठीक है तो इस चीज को ध्यान रखिए तो अभी तक जो कुछ भी चीजें हम पढ़े हैं बेटा इसमें हम केवल और केवल यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में ही पढ़े अभी जो भी चीजें हम पढ़े बेटा वो किसके बारे में पढ़े थे बेटा केवल यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में ही हमने पढ़ा बाद में साइंटिस्ट लोग कुछ आए और उन्होंने थोड़ा सा और दिमाग लगाया उनके दिमाग में ये आना शुरू हुआ कि क्या केवल यही कुछ मेथड्स हैं केवल यही वाइडी ऐसी कहीं मेथड है जिससे कि हम इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट को शो कर सकते हैं और कोई दूसरा मेथड नहीं है तो फिर इसके बाद और डिफरेंट डिफरेंट मेथड भी हमारे सामने है तो हम अब कुछ स्पेशल पॉइंट्स पढ़ने जा रहे हैं कुछ स्पेशल पॉइंट्स पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम क्या पढ़ेंगे सम अदर मेथड ऑफ कुछ और मेथड जैसे एक तो एक वाईडी मेथड हो गया वाईडीएससी के मेथड के बाद और भी कोई मेथड होते हैं इंटरफेरेंस होने के जी हाँ बेटा और भी मेथड होते हैं इंटरफेरेंस होने के उसी मेथड के बारे में ठीक है तो एक नंबर में हम देखें बेटा एल लैड मिथर मिरर मिथर मिरर इसमें क्या होता है बेटा एल लैड मिरर मिथर में क्या होता है बेटा uh, यदि कोई हम एक मिरर यहां पे रख देते हैं थोड़ा सा और स्पेस लेकर के इस चीजों को एक्सप्लेन और इसको स्पेस लेकर के एक्सप्लेन करने का प्रयास कि हम यहां पे एक mirror. और ये मिरर का लेंथ मान लीजिए कुछ L है और ये स्क्रीन है ये क्या बेटा ये मान लीजिए स्क्रीन है ये स्क्रीन है अब यहाँ पे कोई एक पॉइंट सोर्स हम रखें सोर्स रख, रख। तो क्या होगा यहाँ से कुछ लाइट रे यहाँ पे ऐसे जाएंगी और इसके एक्सट्रीम एंड पे लाइट होगी

बेटा नेटवर्क इश्यू तो मेरे पास भी आज बहुत मेरे पास बहुत ज़्यादा नेटवर्क पढ़ा है इसलिए मैं ज़्यादा देर आज नहीं पढ़ाऊंगा ज़्यादा देर नहीं पढ़ाऊंगा बस दस से पंद्रह मिनट और पढ़ा के मैं आज क्लास जल्दी छोड़ दूँ दस से पंद्रह मिनट पढ़ा करके जल्दी छोड़ दूँ तो एक तो मेथड ये लाइट डायरेक्ट यहां से क्या है रिफ्लेक्शन करके पड़ी, और दूसरा क्या हो सकता है बेटा ध्यान से देखिए तो ये लाइट रे ऐसे सीधी भी तो आ रही होंगे ऐसे सीधी भी तो आ रही होंगी तो आप जरा सोचो ये लाइट रे ऐसे सीधी भी कुछ आ रही हूं तो ये स्क्रीन का ये वाला पार्ट आप जरा ध्यान से स्क्रीन को पूरा ड्रॉ कर दूं स्क्रीन का ये वाला पार्ट देखिए ये वाला स्क्रीन का ये वाला पार्ट आप देखिए थोड़ा सा डिफरेंट इनके का इस्तेमाल करना पसंद का डिफरेंट इनके का इस्तेमाल करना पसंद स्क्रीन का ये वाला पार्ट आप तो mm. इस पार्ट पे बेटा दो लाइट वे पहुंच रही है क्या और शायद दूसरा कलर सेलेक्ट रेड ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट को आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों तो आपको क्या लग रहा है इस पे दो लाइट वेव पड़ रही है एक तो बेटा डायरेक्ट ये लाइट रे पहुंच गई एक डायरेक्ट पहुंच रही है और एक यहां से रिफ्लेक्शन होकर के पहुंच तो इन दोनों में कुछ पार्ट डिफरेंस होगा या नहीं होगा कोई बच्चा बता सकता है मुझे दोनों में कुछ पार्ट डिफरेंस होगा या नहीं होगा ये बता सकते हो आप मैं बताता हूं। याद कीजिए बेटा आप आपको मैं याद दिलाता हूं रिफ्लेक्शन टॉपिक रिफ्लेक्शन टॉपिक की बात मैं आपको याद दिलाता हूं यदि आपको थोड़ा सा याद हो तो आप याद करने का प्रयास कीजिएगा मैंने आपको क्या समझाया था कि जब कोई लाइट यहां पे आ करके पहुंचती है तो गिरने के बाद जब ये करती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जब डेंसर मीडियम ये चुकी ये medium, और ये जो है मीडियम, ये डेंसर तो आपको याद आ रहा होगा बेटा मीडियम से जब ये लाइट टकरा करके डेंसर मीडियम टकरा करके रिफ्लेक्ट करके जाती है तो फेज डिफरेंस इसका फेज और इसमें फेज तो पाई का फेज याद आ रहा है बेटा फेज डिफरेंस जो होता है पाई का फेज फेस डिफरेंस होगा और वो फेस डिफरेंस कितना का होगा प्यारे बच्चे फेस डिफरेंस आप याद कीजिए पाई का होगा मैंने आपको रिफ्लेक्शन के फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ाया था फेस डिफरेंस ऑफ पाई इन बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में फेज डिफरेंस जो होगा बेटा वो फेज डिफरेंस पाई का हो जाएगा तो पार्थ डिफरेंस कितना का होगा बेटा फेज डिफरेंस पाई तो डिफरेंस तो अब हमें ये चीज समझ में कि यहां जब दो लाइट वेव पहुंच रही है तब इन दोनों में कुछ फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस हो गया इन दोनों में कुछ फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस हो गया तो अब इन फेस डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस को हमें आइडेंटिफाई करना होगा तो यहाँ मैक्सिमा और मिनिमा के केस के लिए क्या होगा तो फॉर मैक्सिमा की बात करूं बेटा मैं तो इस केस के लिए जो वहां मैक्सिमा का केस था अब वो यहाँ मिनिमा का केस हो और जो वहां मिनिमा का केस था बेटा वो अब यहाँ मैक्सिमा का हो जाएगा मिनिमा का केस वहां क्या था टू एन प्लस वन लैमडा बाई तो ये कंडीशन हुआ करता था बेटा मिनिमा के लिए तो अब यहाँ क्योंकि पाथ डिफरेंस एक एडिशनल आ गया है वो भी पाई का आया है तो वहां जो डिस्ट्रक्टिव हुआ करता था तो वैसा ही अब यहाँ कंस्ट्रक्टिव होने लगेगा डेल्टा एक्स इक्वल टू लैमडा ठीक है और फॉर मिनिमा के लिए बात कर बेटा हम मिनिमा के लिए बात करें तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा आपके एन लैम्डा इसके बराबर हो जाएगा तो बस इसमें क्या होता है बेटा कि पाथ डिफरेंस और फेस डिफरेंस ध्यान से देखिए डिफरेंस डिफरेंस और फेस डिफरेंस में आ, वहां, के केस में जो चीज होता था उसे से जस्ट चीजें उलट जाएंगी वहां जो पहले मैक्सिमा का हुआ करता था वो यहां मिनिमा का हो जाएगा और जो पहले यहां मिनिमा का हुआ करता था वहां वो मैक्सिमा ठीक है तो इस चीज को आप ध्यान रखिए ठीक है चलिए बेटा तो एक काम करते हैं आ, अगला हमारा जो मेथड होता है वो होता है प्रेशनल्स बाइक प्रिज्म अगला मेथड जो होता है वो फ्रेशनल्स बाइक प्रिज्म का होता है तो फ्रेशनल्स बाइक प्रिज्म का जो टॉपिक है बेटा अपन नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे आज अपन उस करेंगे ठीक है नेट फ्लैक्चुएशन भी मेरा काफ़ी ज़्यादा कर रहा है प्रॉपर तरीके से आज नहीं ठीक है तो हम एक काम करते हैं आज, है। तो आज, है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं शॉर्ट क्लास मेरे सो तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं ठीक है फिर हम लोग कल मिलेंगे

और आज कोई स्पेशल क्लास नहीं रखूंगा स्पेशल क्लास कल हो सकता है मेरे कल मैं स्पेशल क्लास रखूंगा बट आज मैं स्पेशल ठीक है तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को बेटा ठीक है तो इस चीज़ को फाइनेंशियल असिस्टेंस आपके लिए ये रहा बेटा ठीक है या यस आज अपन कोई स्पेशल क्लास कल स्पेशल बढ़ते हैं बेटा अगले पॉइंट की तरफ प्लस सब्सक्रिप्शन की बात करो बेटा तो प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको मिलते हैं बच्चे पूरे के पूरे प्लस सब्सक्रिप्शन ये आपके लिए जितने भी अनकेडमिक ऊपर एडुकेटर हैं सारे एडुकेटर का बेटा आपको वीडियो एक्सेस करने का मौका मिलता है ठीक है यदि इसमें आप आर के सोनी सर का रेफरल कोड लगाते हो तो मैक्सिमम आपको फिर से डिस्काउंट मिलता है टेन परसेंट का ठीक है आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करो बेटा तो वन टू वन इसमें लाइव like मेंटरशिप आपको मिलता है इसमें आप ट्वेल्व टू ट्वेंटी फोर मंथ का फ्री मिलता है। मतलब सब्सक्रिप्शन लिमिटेड टाइम के लिए है बेटा प्राइस ये है और स्पेशल वीक अभी चलने वाला है आई थिंक मुझे जहाँ तक तो ध्यान आ रहा है कल से शायद वो स्पेशल वीक स्टार्ट हो जाएगा जिसमें ये एक्स्ट्रा टेन परसेंट आपको बेनिफिट टेन प्लस टेन बेनिफिट मतलब ये बीच में वो ऐसा एक ऑफर आया था वैसा ही ऑफर अभी आने की संभावनाएँ हैं चाहते हो है? बेटा प्लान कर रहे हो सब्सक्रिप्शन लेने का तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम ठीक है आर सोनी सर का रेफरल कोड लगाना डिस्काउंट कॉम्बो पैक चल रहा है बेटा कॉम्बो पैक के बारे में पता ही होगा बोर्ड के लिए या नीट के लिए बोर्ड के लिए या जेई के लिए आइकॉनिक या प्लस ट्वेल्व मंथ या तो ट्वेंटी और इस पर भी एक्स्ट्रा टेन प्लस टेन एक्साइटिंग ऑफर जो भी आने वाला है उसमें टेन पर परसेंट और आपको लिए बेनिफिट यूपी बोर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के लिए बच्चे कुछ ऑफर्स हैं इनको भी आप देख सकते हैं बच्चे प्लस और के लिए ध्यान रखिएगा आपके काम में आने वाला है

बेटा पेपर देने में क्या दिक्कत पेपर तो दो एटलीस्ट पेपर तो दीजिए आप पेपर तो दीजिए आप जिससे कि ये पता चले कि आपका क्या रैंक है ठीक है तो होपफुली आज जो कुछ भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाने का प्रयास किया समझाने का प्रयास किया ज्यादा अपन आज नहीं पढ़े थोड़ा ही पढ़े बट आज इतना ही रखेंगे ठीक है तो उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आज का जो भी कॉन्सेप्ट चीजें काफी अच्छे तरीके से आपको समझ में आए फिर मिलते हैं बेटा हम लोग अगले दिन और मिल करके आप फिर रिमेनिंग कॉन्सेप्ट को भी अपन बूस्ट करते हैं और रिमेनिंग

Please do like and share this. Thank you and all.